उसे कहाँ खपाएंगे, कब तक खपाओ रखेंगे। हमें मुझे अपनी जमीन जो नाम है वह चाहिए, मेरा मकान चाहिए। क्या यहाँ डीएम कार्यालय में धरने पर क्यों बैठे हैं आप, क्या मामला है आपका? ये 25 साल से बैठा हूँ मैं और मेरी पत्नी बैठे दोनों। हमारे जो मकान है गांव में उस पर कब्जा किया गया है। किसने किया कब्जा? ये नथन सिंह सनोप सुक्कन सिंह हमारे परिवार का आदमी है और इसके दो लड़के दिल्ली पुलिस और उत्तराखंड पुलिस में है, जो कोई भी थाने में या तहसील में दबाव बना के रखे हैं। और किस तरह का दबाव बना के रखते हैं? बस जो हमारी जांच आवे उसमें गलत रिपोर्ट लगवावे हैं ये। और जो है हम गांव में जाएं तो हमें जो है ये मारने की धमकी दें, गांव में ना घुसियो। मामला किस बात पर, झगड़ा किस बात पर है? मामला इस बात पर है कि हमारा आपसी बंटवारा, इसके साथ में कोई बंटवारा नहीं था, आपसी बंटवारा होकर हमने मकान बनाया था। इसके बराबर में एक बिस्सा जमीन थी, इसने उसका दीवार तोड़कर ये उसमें घुस गया। और हम कौन हमारा सत्ता जो नथन सिंह, हाँ हाँ, वो उसने मकान पर वैध कब्जे कर लिया। और कुछ दिन के बाद में जब हमने 99 में ये मकान बनाया, दो बच्चों की शादी की उस मकान में ही, उसके बाद में हम बाहर चले गए अपना किसी भी काम से, और इसने रात में वो मकान तोड़ के, मतलब दीवार तोड़ के बढ़ गया, कब्जा कर लिया के। हाँ, और वो मकान तहसीलदार और पटवारी से साठ गांठ करके, पटवारी तहसीलदार पूरी राजस्व टीम मुझे लेके गई वहाँ, बयान लिए गांव में उस मकान में, उसके फोटो है मेरे पास। ये फोटो मैं मुख्यमंत्री तक पहुँचा दिए, पर आज तक कोई भी शासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तीसरे दिन मैं यहाँ अधिकारियों से मिलूं, मुख्यमंत्री को पोर्टल करूं, वहाँ से जो भी आवे ना तो मुझे न बताते तेरा यो जवाब आया या यो आदेश आया या यो ऑर्डर भैया, बस छाकर पुराना तहसील को दे दे। पटवारी ने सैकड़ों की संख्या में अपनी वो बनावा के दरखी रिपोर्ट, वही रिपोर्ट भाई अभिलेख कुमार जी मेरा नाम है तो मुझे जमीन क्यों नहीं देते मेरी? कितनी जमीन है वो जमीन? तो कच्चे विषय तो 4x13 विश्वासी है, वैसे वर्ग फुट में वो 158 वर्ग फुट है। अच्छा ठीक, जिप तहसीलदार ने सब प्रमाण पत्र दे दिया तो ये कागज में अपने घर थोड़ा ही बना रहा। तीन खातों की जमीन है। अच्छा, अगर आपको काम नहीं होता तो धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? जब तक भी आखिरी सांस तक यहाँ से हिलूंगा नहीं, और अगर मुझे मरना भी पड़ा तो अपनी पत्नी के साथ मैं यही मरूंगा। सर हमें यही मरना, यही जीना, मरी तो जाएंगे और क्या होगा, अपना मकान लेकर रहेंगे। जो हमारा मकान है, मेरे नाम जमीन है, जो हमारे नाम धन सिंह को कोई भी अधिकारी उसे भूमा क्यों नहीं घोषित कर रहा, हम कैसे मान ले योगी मोदी जी इतने जमीन का छुटवा रहे? क्या मेरे मकान को कब्जा नहीं छुटवा सकते? मैं योगी मोदी को ये कहना चाहती हूँ कि हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा, हम कब तक यहाँ जिलाए मरेंगे? मेरे पास कोई खाने का सामान नहीं है, ना कोई कपड़ा है सर्दियों का, कब तक बैठाए रखेंगे? हमें कब तक इंसाफ मिलेगा? उसे कब तक नहीं करेंगे घोषित उसको भूमाफिया? मेरा मकान तुड़वा कर मैं दोबारा बना क्यों बनाया? तहसीलदार ने, बुढ़ाना तहसीलदार ने और गांव के पटवारी घोड़े ने वो मकान साज खाते हुए तुड़वाया। अब ये देखो, एक मिनट में अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? आप हम ये इंसाफ चाहते हैं, हमारा मकान हमें दे दो, एक मिनट में हम यहाँ से उठ कर चले जाएंगे। एडीएम ईश है मिले, पहली शर्त ये के धरना उठाओ, कचहरी खाली करो, उसके बाद हम सुनवाई करेंगे। क्या तरीका भेजेंगे? क्या तरीका? इनके सामने वहाँ मारपीट पोतारू ये उसके गुंडे, ये खड़े देखते रहे, मन ने वो एफिडेविट दे दिया था, ये और चिड़ गए तन ने तो एफिडेविट दे दिया। सुना तू, इंसाफ मांग रहा है, मैं कोई यहाँ डकैती नहीं कर रहा, ना कोई मतलब चोरी कर रहा, इंसाफ मांग रहा सिर्फ। ठीक है।